यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, तीन राज्यों में जो एक आदिवासी ओबीसी और अगड़े को मौका दिया गया, तो क्या सियासी पिच तैयार हो रही है 2024 की भाजपा को? देखिए, हर बात को सियासत से और राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सामाजिक न्याय की परिकल्पना चरितार्थ हो रही है। सबको अवसर मिल रहा है, सबको न्याय मिल रहा है, सबके साथ और सबके विकास का जो संकल्प है माननीय मोदी जी का, वो पूरा हो रहा है। तो इसका तो चारों तरफ अभिनंदन होना चाहिए, चारों तरफ स्वागत होना चाहिए और इसी दृष्टि से इन प्रयासों का आकलन भी होना चाहिए। अब हर बात को राजनीति से जोड़कर देखने का जो प्रतिपक्ष का एक फैशन सा हो गया है, ये ना ही इसकी समाज में कोई स्वीकार्यता है और ना ही इसका कोई महत्व है। तो इन सब बातों को उस नज़रिया से ही देखना चाहिए, मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित यही है। सर, बसपा को लगातार जो है वोट कटवा बोला जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उनका अपना संगठन है और एक इतनी बड़ी पार्टी को ये कहना मैं नहीं समझता हूँ। उनकी पार्टी है, उन लोगों ने काम किया है, आगे भी कर रहे हैं। अब जो लोग वोट कटवा कहते हैं, अब उन लोगों का नज़रिया क्या है मुझे नहीं पता है इसका, लेकिन राजनीतिक पार्टी का उनके कार्यक्रम हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, उस पर वो लोग काम करते हैं और इस तरह के से उपहास उड़ाना ठीक नहीं है। ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्षी दल, वो तो हमेशा से करते हैं, और जब जीतते हैं तो ईवीएम फिर उनके लिए अच्छा हो जाता है, जब हारते हैं तो उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये तो उनका चलता रहता है। पब्लिक से इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, जनता इन सब बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए इससे इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। आखिरी सवाल सर, ओपी राजभर कब तक मंत्री बन जाएंगे? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार। तो ये थे अनिल राजभर जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा सिर्फ वो राष्ट्रीय नेतृत्व जब चाहेगा तब होगा। इसके अलावा जो ईवीएम को लेकर जो लगातार विपक्ष सवाल निशान खड़ा कर रहा है, तो उस पर भी इन्होंने अपनी राय दी और साफ ही कहा कि विपक्ष का काम ही है सिर्फ कि वो ईवीएम पर लगातार पहले भी निशाना खड़ा करते रहे और अब भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 2024 को लेकर जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर भी अनिल राजभर ने बड़े दावे किए। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, तीन राज्यों में जो एक आदिवासी ओबीसी और अगड़े को मौका दिया गया, तो क्या सियासी पिच तैयार हो रही है 2024 की भाजपा को? देखिए, हर बात को सियासत से और राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सामाजिक न्याय की परिकल्पना चरितार्थ हो रही है। सबको अवसर मिल रहा है, सबको न्याय मिल रहा है, सबके साथ और सबके विकास का जो संकल्प है माननीय मोदी जी का, वो पूरा हो रहा है। तो इसका तो चारों तरफ अभिनंदन होना चाहिए, चारों तरफ स्वागत होना चाहिए और इसी दृष्टि से इन प्रयासों का आकलन भी होना चाहिए। अब हर बात को राजनीति से जोड़कर देखने का जो प्रतिपक्ष का एक फैशन सा हो गया है, ये ना ही इसकी समाज में कोई स्वीकार्यता है और ना ही इसका कोई महत्व है। तो इन सब बातों को उस नज़रिया से ही देखना चाहिए, मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित यही है। सर, बसपा को लगातार जो है वोट कटवा बोला जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उनका अपना संगठन है, और एक इतनी बड़ी पार्टी को ये कहना मैं नहीं समझता हूँ। उनकी पार्टी है, उन लोगों ने काम किया है, आगे भी कर रहे हैं। अब जो लोग वोट कटवा कहते हैं, अब उन लोगों का नज़रिया क्या है मुझे नहीं पता है इसका, लेकिन राजनीतिक पार्टी का उनके कार्यक्रम हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, उस पर वो लोग काम करते हैं और इस तरह के से उपहास उड़ाना ठीक नहीं है। ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्षी दल, वो तो हमेशा से करते हैं, और जब जीतते हैं तो ईवीएम फिर उनके लिए अच्छा हो जाता है, जब हारते हैं तो उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये तो उनका चलता रहता है। पब्लिक से इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, जनता इन सब बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए इससे इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। आखिरी सवाल सर, ओपी राजभर कब तक मंत्री बन जाएंगे? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार।
तो ये थे अनिल राजभर जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा सिर्फ वो राष्ट्रीय नेतृत्व तो जब चाहेगा तब होगा, इसके अलावा जो ईवीएम को लेकर जो लगातार विपक्ष सवाल निशान खड़ा कर रहा है तो उस पर भी इन्होंने अपनी राय दी और साफ ही कहा कि विपक्ष का काम ये है सिर्फ कि वो ईवीएम पर लगातार पहले भी निशाना खड़ा करते रहे और अब भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 2024 को लेकर जो तैयारियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर भी अनिल राजभर ने बड़े दावे किए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।